और ये जगदलपुर से बड़ी खबर आ रही है। भीमा मंडावी की हत्या का मामला दरभा डिवीजन कमेटी ने ली, इस हमले की जिम्मेदारी ली है। दरभा कमेटी ने प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी दी है और दरभा डिवीजन कमेटी के सचिव साईनाथ ने एक लेटर जारी किया है और ये कहा है कि नक्सली कमांडर के एनकाउंटर के विरोध में ब्लास्ट किया है। श्यामगिरी में हुआ था नक्सली हमला, भीमा मंडावी और चार जवान इस हमले में शहीद हुए थे, तो उसमें दरभा डिवीजन कमेटी ने इस हमले को दावा किया है कि हमने ये हमला करवाया है और एक प्रेस नोट जारी कर इस बात की जानकारी दी है दरभा कमेटी ने। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा फोन लाइन पे हैं। नरेश, दरभा कमेटी ने एक प्रेस नोट जारी किया और उसमें इस बात की जानकारी दी है कि जो हमला हुआ था और हमले में जो बीजेपी एमएलए भीमा मंडावी की डेथ हुई थी उसकी जिम्मेदारी लिए, कितनी सत्यता है इस बात पर? देखिए, ये मामला सही है और सबसे पहले आईबीसी ने ही इस घटना के तुरंत बाद ये स्पष्ट किया था कि मलांगिर एरिया कमेटी और जो दरभा डिवीजन के जो नक्सल हैं उनका इस मामले में हाथ है। और ये पत्र एक तरह से सामने आया है तो इसमें यही बताने की कोशिश की गई है, जो दरभा डिवीजन कमेटी का सेक्रेटरी है साईनाथ, उनकी तरफ से ये बताने की कोशिश की गई है कि ये एक सुनियोजित हमला है और इसके पीछे की वजह ये थी, भीमा मंडावी को टारगेट बनाने का कारण जो था वो ये कि केंद्र की सरकार के प्रति एक विरोध दर्ज कराना। हाल में हुई जो नक्सल मुठभेड़ जिसमें जो दक्षिण डिवीजन के कुछ नक्सली कमांडर मारे गए थे, उस घटना के विरोध स्वरूप नीलावाया में कैंप स्थापित करना और जो अडानी ग्रुप को बेलाडीला इलाके में खदान देने की जो कोशिश है जो दी गई है उसको लेकर के मिला जुला ये प्रतिक्रियात्मक एक एक्शन था जिसका जो कि सुनियोजित था, ये इनका कहना है। और साथ ही उन्होंने एक तस्वीर भी जारी की है जिसमें जो लूटे गए हथियार थे और जो गोलियां भी बरामद की गई हैं उनकी भी ये तस्वीर उस पत्र में जाहिर की गई है। तो ये पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली है और इसे एक सुनियोजित हमला बताया है। तो नरेश, वहां के जो एसपी हैं और जो प्रशासन है, क्या पुलिस विभाग ने इस बात की पुष्टि की है? देखिए, पुलिस इस तरह की मामलों की कोई पुष्टि नहीं करती क्योंकि अधिकृत तौर पर इसके कोई सोर्स नहीं होता जी। और अमूमन जो नक्सली हैं वो ही अक्सर इस तरह के पर्चे, बैनर, पोस्टर या प्रेस नोट के जरिए इस बात को जाहिर करते हैं। और जिस तरह से घटनाक्रम हुआ था उससे ये सभी जान रहे हैं कि ये नक्सल घटनाक्रम था, तो इस बात की तस्दीक तो हो चुकी है कि ये नक्सल घटनाक्रम है, नक्सलियों की साजिश थी, उसका प्रयोजन क्या था इस पत्र के जरिए माओवादियों ने जाहिर करने की कोशिश की है। और नरेश, इस पर अभी सीबीआई जांच की भी मांग उठी है कि नेताओं की सुरक्षा की समीक्षा होनी चाहिए। जी हाँ, देखिए, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस की तरफ से ये बात उठी है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा, आने वाले दिनों में ये मुद्दा और आगे बढ़ेगा। दो बड़े कारण है इसके, एक तो कि जिस तरह से झीरम घटनाक्रम हुआ था उसके बाद इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश की बात आई थी और उसमें इन अपरोक्ष रूप से दो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में थी उसको लेकर और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के नेताओं को लेकर तरह तरह की बातें थी। लिहाजा आने वाले समय में मान के चलिए कि वर्तमान कांग्रेस सरकार के खिलाफ छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश और संभावनाओं या माओवादियों के लिए ढिलाई देने के मुद्दे पर और सियासत गरमाएगी। लेकिन नक्सलियों ने एक तरह से सीधी तौर पर इसकी जिम्मेदारी लेकर ये साफ कर दिया है कि वो अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं और वो राजनीतिक किसी भी बड़े नेतृत्व पर हमला कर सकते हैं, जिसका एक पॉइंट इस प्रेस नोट में जिक्र में शामिल है। तो नरेश, अगर जब ये जिम्मेदारी ले रहे हैं तो अब ये बात बनती है कि पुलिस और प्रशासन इस बात के मद्देनजर उनको सावधानी बरतनी बहुत जरूरी है क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में भी इस तरह के हमले हों। जी हाँ, देखिए, चुनाव बहिष्कार के साथ ही माओवादियों ने इसका एक तरह से खुला विरोध किया ही था और हमले की चेतावनी दी भी थी और इससे पहले भी ऐसे हमले होते रहे हैं। और अगर आप देखें, अगर आप उस पूरे प्रेस नोट को भी देखेंगे तो उसमें भी साफ होता है कि गौतम अडानी को जो खदान नंबर 13 में एक तरह से खदान को डेवलप करने और ऑपरेट करने की जिम्मेदारी दी गई है उसको लेकर भी एक बड़ा विरोध हुआ है जिसका समर्थन माओवादियों ने किया है। तो ये एक तरह से एक मूवमेंट उस इलाके में है और यही कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस और दूसरे तरह के सपोर्ट का काम करता है माओवादियों को उस इलाके में जनाधार और ताकत देता है जिसकी वजह से ऐसे बड़े हमलों को करने में कारगर करने में माओवादी कामयाब होते हैं। तो आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर उन्होंने अपने पत्र में भी स्पष्ट लिखा है कि आने वाले समय में ऐसे कोई भी जो नेता है जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल है उन पर हमला किया जा सकता है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा या वो बचेंगे नहीं। तो माओवादियों की मंशा तो पूरी तरह से स्पष्ट है कि
अगर इस तरह की गतिविधियां चली या उनके जो पॉलिटिकल एजेंडे का पार्ट है उनकी भूमिगत संगठन प्रतिबंधित संगठन में, उसके विरुद्ध वो किसी भी राजनीतिक दल पर हमला कर सकते हैं। चलिए नरेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका।